हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई फ्रेश वर्ल्ड में। गाइस, आज की ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। देखो तो भाई यार, अब ऐसा होता है ना कि अधिकतर लोगों का सपना होता है कि वो लोग एक्टिंग में काम करें, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ऐसा है ना कि 90% लोगों को ना एक्टिंग में काम किस तरह से मिलता है इसका सही रास्ता मालूम नहीं होता है ना, जिस वजह से उन्हें आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आती है। देखो भाई, अब यार ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम इंस्टाग्राम पे अगर हम रील बनाते हैं, है ना, फेसबुक पे अगर हम अच्छा काम करते हैं, अगर यूट्यूब पे अगर हम शॉर्ट्स बनाते हैं और अगर वो वीडियो वायरल होती है ना, तो हम एक अभिनेता बन जाएंगे। भाई देखो यार, एक वीडियो को वायरल करना और एक अभिनेता बनना, भाई इनमें ना यार जमीन आसमान का फर्क है ना भाई। अभिनय करना बहुत अलग चीज होती है और रील बनाना बहुत ही अलग चीज होती है। भाई देखो, रील में ना यार आप किसी के और के डायलॉग होते हैं, किसी और का साउंड होता है, किसी और का गाना होता है, आप सिर्फ उसमें अपना होंठ हिलाते हो, लिपसिंग करते हो, है ना। और जब आप उसी वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाते हो ना, तो दोस्त बोलते हैं आपको, भाई साहब तू तो बहुत बड़ा एक्टर है यार, तू तो एक्टिंग में आगे जा। और आप अपने आप को बहुत ही बड़े एक एक्टर समझ लेते हो, जो कि मेरे ख्याल से भाई यही हमारे अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है ना, कि हम अपने आप ही अपने आप को एक्टर बोलते हैं। भाई देखो यार, पहले आप ये समझो कि अभिनेता किसे कहते हैं और वो अभिनय किस तरीके से करता है। देखो भाई, एक एक्टर को ना डायलॉग दिए जाते हैं, है ना, और उस सीन में रह के उसे अपने ही करेक्टर में वो डायलॉग को बोलना होता है कैमरे के सामने। और अगर वो एक्टर उस करेक्टर में रह के अगर वो डायलॉग बोल पाता है, उस एक्ट को कर पाता है ना, तो उसे हम अभिनेता, उसे हम अभिनय करना बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई मेरा मानना ये कि अगर आप ये चाहते हो कि सोशल मीडिया के द्वारा हमें कुछ ना कुछ काम मिले, है ना, देखो भाई ऑफलाइन तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा अगर आपको एक्टिंग में बहुत आगे जाना तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक प्लस पॉइंट हो, आपको साइड से भी कुछ ना कुछ काम मिले सोशल मीडिया के द्वारा, तो भाई देखो मेरा मानना ये है ना कि आप जब भी रील बनाते हो ना, देखो अपनी ही आवाज में बनाओ। भाई गूगल पे ना हजारों स्क्रिप्ट होती है, जो भी आपकी एज ग्रुप के हिसाब से वो स्क्रिप्ट मैच करते हैं ना, उन स्क्रिप्ट को आप याद करो, उसके करेक्टर को समझो और वीडियो बनाओ, है ना। और उस वीडियो को फिर आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जाकर अपलोड मार दो, सिंपल सी बात है। और देखो भाई, अगर आप ऐसा करते हो ना, तब आपकी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ती है, आपको एक्टिंग भी सीखने को मिलेगी। और जब आपकी इन वीडियो को ना कोई बंदा देखेगा ना जो इस फील्ड में काम करता है, तो हो सकता है वो बंदा आपको बुला ले, आपको काम दे दे, ठीक है ना। तो भाई आप इस तरीके से काम करो। भाई रील बनाने से आज तक कोई भी एक्टर नहीं बना है, ठीक है ना। अगर आपको अपने आप को देखना है अभिनय करते हुए, तो भाई आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान दो, आप अपनी एक्टिंग की कला को दिखाओ जिस तरीके से एक एक्टर दिखाते हैं टीवी पर, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।